हे गाइस, गिज़मोडिक्ट हियर और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन Redmi Note 8 Pro और Samsung के Galaxy M30s के बीच में। तो 6 महीने पहले जब Galaxy M30 और Redmi Note 7 Pro थे, मैंने उनके बीच में कैमरा कंपैरिजन किया था और Note 7 Pro क्लियर विनर था क्योंकि उसमें Google कैमरा सपोर्टेड था। बट अब इस बार दोनों ही फोन्स पर Google कैमरा अच्छे से सपोर्टेड नहीं है क्योंकि दोनों ही फोन्स पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट नहीं है। तो अब देखते हैं कि स्टॉक कैमरा के कंपैरिजन में कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। क्या Galaxy M30s का कैमरा बेटर है या फिर Redmi Note 8 Pro का कैमरा बेटर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आपके पास Galaxy M30s है या फिर Redmi Note 8 Pro है और आपको उसके लिए बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास चाहिए तो glazedinc.com पे चले जाना। इनके पास एक्चुअल 2.5D कर्व टेम्पर्ड ग्लास है जो आपको इंडिया में ये फोन्स के लिए ईजिली नहीं मिलने वाले। तो मैं मेरे फोन्स पर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इनके टेम्पर्ड ग्लास और मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट है। एकदम अच्छी तरह से आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। तो डेफिनेटली इनके वेबसाइट पे जाइए और प्रोमो कोड गिज़मो यूज़ कीजिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट भी मिले। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कैमरा सेंसर्स की बात करें तो Redmi Note 8 Pro पर आपके पास 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। ये सेंसर भी Samsung का ही है और यहाँ पर Galaxy M30s पर आपका 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो पहले हम रियर फेसिंग कैमरा के फोटोज कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फोन बेटर है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो डे लाइट में Galaxy M30s और Note 8 Pro दोनों का आउटपुट वैसे तो अच्छा है, पर एक्चुअली M30s की जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है Redmi Note 8 Pro के कंपेरिजन में। अगर आप यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर जूम करके देखोगे तो जो शेडोज़ है वो Galaxy M30s पे काफ़ी ज़्यादा बेटर है Redmi Note 8 Pro के कंपैरिजन में। और यहाँ पर ओवरऑल जो इमेज है उसकी जो डायनामिक रेंज है, जो कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे M30s पे Note 8 Pro के कंपैरिजन में। Note 8 Pro का आउटपुट थोड़ा सा वार्म है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है क्योंकि Xiaomi ने Note 7 और Note 7 Pro में ये प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया था, बट फिर भी Note 8 Pro का आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा वार्म लगा मुझे, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। पर यहाँ पर डिटेलिंग ज़्यादा है। अगर आप हर एक फ़ोटो को जूम इन करके देखोगे तो Redmi Note 8 Pro में डिटेल ज़्यादा है Galaxy M30s के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप ये Lamborghini को देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जूम करके देखा तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के आउटपुट में डिटेल ज़्यादा है M30s के कंपैरिजन में। और हाँ, ये मेरी गाड़ी नहीं है, प्रॉब्ली फ्यूचर में आ जाए अगर आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हो तो। बट अब मेरी गाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मैंने कार का फोटो है यहाँ पे Redmi Note 8 Pro ने काफ़ी ओवर एक्सपोज कर दिया है। जो कलर है वो एक्चुअली जो आपको Galaxy M30s के आउटपुट में दिख रहा है ऐसा ही है, पर यहाँ पर Redmi Note 8 Pro ने काफ़ी इमेज को ब्लो आउट कर दिया है, ओवर एक्सपोज कर दिया है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जो डायनामिक रेंज है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली Galaxy M30s बेटर है। हाईलाइट, शेडोज़, मिड टोन्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कंट्रोल्ड है। तो Samsung ने सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में बहुत ही अच्छा काम किया है। Redmi Note 8 Pro का आउटपुट भी ख़राब नहीं है, यहाँ पे आपको डिटेलिंग भी ज़्यादा अच्छी मिलती है, बट मुझे पर्सनली M30s का आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। उसके बाद अगर हम इंडोर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर भी सेम सीन है। अगर हम फोटोज़ को देखें तो M30s के फोटोज़ में डायनामिक रेंज ज़्यादा है, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लो आउट नहीं हुआ, आपको ज़्यादा डिटेलिंग देखने मिलती है, पर Redmi Note 8 Pro में ऐसा नहीं है, कभी कभी ये ओवर एक्सपोज भी कर देता है। पर अगर हम जो शार्पनेस और डिटेलिंग की बात करें फोटो को जूम इन करके तो वो आपको Redmi Note 8 Pro में ज़्यादा मिलेगी। इसका एक ही कारण है कि Redmi Note 8 Pro बेसिकली अपने फोटोज 16 मेगापिक्सल पे खींचता है और Galaxy M30s बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे खींचता है, तो इसी डिफरेंस के कारण आपको Redmi Note 8 Pro में डिटेलिंग ज़्यादा देखने मिलने वाली है। तो इंडोर कंडीशंस में भी कलर्स ज़्यादा अच्छे M30s पे है, बट आपको शार्पनेस Redmi Note 8 Pro में देखने मिलेगी, पर इतना भी डिफरेंस नहीं है इंडोर कंडीशंस में जितना आउटडोर कंडीशंस में था। उसके बाद अगर हम लो लाइटिंग कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro का बेनिफिट आपको देखने मिलता है। तो ये जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है ये लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा बेटर है Samsung Galaxy M30s के कंपैरिजन में, और आप फोटोज़ में ये देख सकते हो, फोटोज़ में डिटेलिंग ज़्यादा है, फोटोज़ में ओवरऑल लाइट भी ज़्यादा है काफ़ी सारे फोटोज़ में, स्पेशली इंडोर्स में। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि Galaxy M30s फोटो को थोड़ा क्रॉप कर देता है नाइट मोड में, ऐसा Redmi Note 8 Pro नहीं करता, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइड व्यू मिलता है Redmi Note 8 Pro में, बट M30s पे ऐसा नहीं है। और ये दोनों फ़ोन्स पे वाइड एंगल लेंस नाइट मोड सपोर्ट नहीं करते, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो बेसिकली लो लाइट में मुझे Redmi Note 8 Pro ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद अगर हम रियर फेसिंग कैमरा पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पर वंस अगेन मुझे दोनों ही फोन्स अच्छे नहीं लगे। यहाँ पर दोनों के ही प्रोज और कॉन्स है। तो Galaxy M30s पे डायनामिक रेंज बेटर है। आप Note 8 Pro के फोटो को देखो, वो बैकग्राउंड को पूरी तरह ब्लो आउट कर देता है, बट Samsung ऐसा नहीं करता। पर अगर हम स्किन टोन्स की बात करें और डिटेलिंग की बात करें तो वो मुझे Redmi Note 8 Pro पे ज़्यादा अच्छे लगे थे। Galaxy M30s पे स्किन टोन्स थोड़े से फेडेड लगते हैं तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो सारी चीज़ें Redmi Note 8 Pro पे बेटर है। और सेल्फीज़ में भी सेम सीन है, आप सेल्फीज़ में भी देख लो डायनामिक रेंज सैमसंग में बेटर है, बट जो डिटेलिंग है और जो कलर्स है वो मुझे थोड़े से ज़्यादा बेटर Redmi Note 8 Pro पे लगे। बट वंस अगेन ये प्राइस सेगमेंट में ये दोनों ही फ़ोन्स अच्छे नहीं है पोर्ट्रेट मोड के लिए। आप Mi A3 विद गूगल कैमरा यूज़ कर लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सैम्पल वो कितना बेटर है ये दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन में। तो हाँ, सबसे बेस्ट तो नहीं है ये दोनों फ़ोन्स और मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे उतने पोर्ट्रेट मोड में। आप मुझे बताना आपको कौन सा आउटपुट ज़्यादा अच्छा लगा, M30s या फिर Redmi Note 8 Pro। तो ये तो थी प्राइमरी सेंसर की बात। अब हम बात करते हैं वाइड एंगल लेंस की। तो यहाँ पर भी मुझे सैमसंग का आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा, स्पेशली जब हम डे लाइट के फोटोज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे सैमसंग के फोटोज़ में वंस अगेन डायनामिक रेंज बेटर है, थोड़े कलर्स भी बेटर है, तो मुझे सैमसंग का वाइड एंगल लेंस स्लाइटली बेटर लगा। उतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है दोनों फ़ोन्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है M30s, पर मुझे स्लाइटली बेटर लगा। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे। और अगर हम फुल रेजोल्यूशन शॉट्स को कंपेयर करें, यानी कि 64 मेगापिक्सल Note 8 Pro पे और 48 मेगापिक्सल M30s पे, तो नेचुरली यहाँ पे M30s के कंपैरिजन में Note 8 Pro में डिटेलिंग ज़्यादा थी, तो उसमें Note 8 Pro डेफिनेटली बेटर है। उसके बाद हम वीडियो की बात करते हैं तो ये दोनों फ़ोन्स 4K 30fps वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p पे स्टेबलाइजेशन भी है। तो यहाँ पे मैं आपको 4K वाला सैम्पल दिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर मुझे Note 8 Pro के कलर्स थोड़े ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड लगे, बट अब कुछ लोग को वो पसंद आता है, कुछ लोग को पसंद नहीं आएगा। तो आप मुझे बताइए आपको M30s के कलर्स ज़्यादा अच्छे लगे या आपको Note 8 Pro के कलर्स ज़्यादा अच्छे लगे। मुझे स्लाइटली M30s के कलर्स का आउटपुट ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप मुझे आपका ओपिनियन कॉमेंट्स में बता देना। उसके बाद हम बात करते हैं 1080p फुटेज की। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स अच्छे थे, दोनों ही फ़ोन्स पे स्टेबलाइजेशन अच्छी तरह से काम करता है, पर यहाँ पे Note 8 Pro मुझे थोड़ा फास्ट लगा फोकसिंग में। तो अब सडनली अगर ऑब्जेक्ट को ला देते हो बीच में, तो यहाँ पे M30s को 1-2 सेकंड लगता है फोकस करने के लिए, Redmi Note 8 Pro इंस्टेंटली कर लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी Note 8 Pro की। यहाँ पर M30s में आपको और एक ऑप्शन मिलता है सुपर स्मूथ, जो 1080p पे बहुत ही स्मूथ फुटेज लेता है, और ये फुटेज काफ़ी वाइड भी है। तो लोगों को डाउट था कि ये कैसे कर रहा है ये, तो प्रॉबेबली मोस्टली ये वाइड एंगल लेंस ही यूज़ कर रहा है सुपर स्मूथ मोड में, क्योंकि मैंने ऑटो फोकस यूज़ करने की ट्राई की तो वो नहीं चल रहा था। तो आई थिंक सुपर स्मूथ मोड में वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा है और इसी के साथ ही एकदम वाइड और एकदम स्मूथ वीडियो खींच रहा है। तो यहाँ पर मैं सैम्पल प्ले कर रहा हूँ सुपर स्मूथ मोड वर्सेस Redmi Note 8 Pro 1080p फुटेज। तो डेफिनेटली आप मुझे बता देना आपको कौन सा अच्छा लगा। और ये दोनों फोन्स वाइड एंगल मोड में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पर हाँ, Galaxy M30s पर आपको 60fps का सपोर्ट नहीं मिलता, Note 8 Pro पे 1080p 60 का सपोर्ट है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये थी सारी कंपैरिजन। बट Redmi Note 8 Pro में आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, जो कि है मैक्रो लेंस। तो ये आपको Galaxy M30s में नहीं मिलता, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट के 2 सेंटीमीटर क्लोज जा सकते हो और फोटोज़ खींच सकते हो। मैंने काफ़ी कूल फोटोज़ लिए मैक्रो लेंस के साथ Galaxy Note 8 Pro पर, तो ये एक फीचर मुझे अच्छा लगा। तो अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी करना पसंद है तो यार Note 8 Pro आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट एनीवेज, अगर हम बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस बार Xiaomi ने Samsung को बीट नहीं किया है। अगर हम डे लाइट के फोटोज़ की बात करें तो मुझे डेफिनेटली M30s का आउटपुट थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा Xiaomi के कंपैरिजन में, और Redmi Note 8 Pro के फोटोज़ एक्चुअली लो लाइट में और पोर्ट्रेट मोड में थोड़े से बेटर है। बट वंस अगेन ये उतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, और अगर गूगल कैमरा सपोर्टेड होता है दोनों फ़ोन्स पर या फिर किसी एक में, तो कैमरा कंपैरिजन में बहुत ही अंतर आ जाता। बट ऑनेस्टली जैसे कि आपने देखा उतना भी डिफरेंस नहीं है, और एक्चुअली ये दोनों फ़ोन्स इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन्स नहीं है। अगर आपको बेस्ट कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो आपको Mi A3 खरीदना चाहिए, उस पर गूगल कैमरा इंस्टॉल करो, या फिर आपको Realme 5 Pro खरीदना चाहिए। अगर कैमरा आपकी मेन प्रायोरिटी है तो मे बी ये दोनों फ़ोन्स आपके लिए अच्छे ऑप्शन नहीं है। बट एनीवेज यार, यही थी कंपैरिजन Samsung M30s और Redmi Note 8 Pro के बीच में। आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए आपको कौन सा कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा, क्या Samsung बेटर लगा या फिर आपको Note 8 Pro बेटर लगा। डेफिनेटली आपके व्यूज़ बताइए मुझे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एक फुल रिव्यू भी आने वाला है Redmi Note 8 Pro का जल्दी मेरे चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।